गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में हमने जो इसका पिछला टॉपिक पढ़ा था वर्ण पढ़ा था। अब वर्णों का ही जो अगला टॉपिक है वो संधि है, क्योंकि वर्णों का संधि से सीधा संबंध है। संधि में क्या होता है, वर्णों को आपस में मिला दिया जाता है, वर्णों को आपस में मिला दिया जाता है तो उससे विकार उत्पन्न हो जाता है, संधि कहते हैं। तो सभी लोग अपना माइक बंद कर ले पहले। सभी लोग माइक बंद करें, बीच में डिस्टर्बेंस होता है, इससे क्या है क्लास प्रभावित होगी आपकी। सभी माइक बंद कर लो। तो हमें पढ़ना है संधि। तो चलिए हम आपको बताते हैं संधि है क्या। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था वर्ड में, वर्ड क्या है, ये आ है वर्ड, ये वर्ड एक आ है और एक दूसरा वर्ड है ई। दूसरा वर्ड है ई, तो मुंह से हमारे को ध्वनि निकलती है, एक ध्वनि निकली आ की और एक ध्वनि निकली ई की। अब दोनों ध्वनियों को हमने मिला दिया तो हमारे ध्वनि ना आ रह गई ना ई रह गई, वो बन गई ए बन गई। क्या बन गई, ए बन गई। हम कह सकते हैं कि जब हम दो ध्वनियों को आपस में मिलाते हैं तो उन दो ध्वनियों को मिलाने से हमें परिवर्तन आ जाता है और उसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो ध्वनियों को मिलाने से जो परिवर्तन आता है, जो विकार आता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा मैं आपको देता हूँ। तो संधि भी पेपर में आएगा? नहीं आएगा। सर संधि भी आएगा? नहीं आएगा, उसे संधि कहते हैं।
दे दो। लिख दिया सबने? नो सर। लिख लीजिए पासपोर्ट के लिए। लिख गया चलिए तो लिखा होगा आपने, तो देखते हैं। अंशिका मेरी आवाज सुन रहे बेटा? अंशिका द्विवेदी। यस सर। हाँ तो आप पढ़ के सुनाइए कि आपकी संधि की परिभाषा में क्या लिखा है। सर क्या बोले आप? संधि की परिभाषा क्या होती है आप पढ़ करके सुनाइए या स्वयं आप ये तो बताइए। यस सर। ध्वनिया के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। संधि के कितने भेद मेरे बताए? संधि के तीन भेद, संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बहुत अच्छा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बहुत अच्छा। विसर्ग संधि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए और देखते हैं और कोई बताएगा। ये के आर सिंह कौन है? के आर सिंह मेरी आवाज सुन पा रही हूँ? के आर सिंह। यस सर। आप पढ़कर सुनाइए कि आपने क्या लिखा है संधि की परिभाषा में। ध्वनिया के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बहुत अच्छा बहुत अच्छा शाबाश। अच्छा ये अथर्व, अथर्व मेरी आवाज आ रही है? अथर्व तुम्हें ये बता रहा है? यस सर आ रही है। कि ये ध्वनियों का परस्पर मेल है, ये ध्वनियों को हम और क्या कहते हैं हिंदी में? ध्वनियों को क्या हम वर्ण कह सकते हैं या शब्द कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर? सर क्या बोले? ध्वनियों को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे या शब्द कहेंगे? वर्ण। बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्वनियों से मतलब है वर्ण, यानी वर्णों को जब हम आपस में मिला देते हैं, वर्णों को जब आपस में मिलाते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न होता है और वही विकार हिंदी में संधि कहलाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। पहला भेद आपस में स्वर जहाँ मिलते हैं वहाँ स्वर संधि होती है। हम बात करेंगे दो या जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे जैसे
आपका मेल किसे हुआ बन गया ए या आपका मेल आते हुआ बन गया आ इतने को ठीक है। तो सॉरी आप लोग मिलते हैं विकार करना होता है तो जहां दो या दो ज्यादा तो ही निकले तो कहने में होते नहीं दो या दो के करने स्वरों के मेल से जो विकार करना होता है परिवर्तन होता है हम सब सभी कहते हैं। और तो वक्त कीजिए कि हम आपको उठाएंगे पर एक भेद पर पहला है दूसरा है तीसरा है चौथा है और पांचवा है आयाम स्वरूप। सर थर्ड नंबर में क्या लिखा है? यस सर यस और बड़ा ओके सर किसने क्या लिखा है? अनुज त्रिपाठी। अनुज त्रिपाठी मेरी आवाज आ रही है? अनुज त्रिपाठी चलिए इसको नहीं आवाज आ रही ये नहीं बोल रहा है देखते हैं कौन बोलेगा। शिवा द्विवेदी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा पढ़ के सुनाएंगे स्वर संधि क्या होती है क्या लिखा है मैंने? स्वर संधि दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से जो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सर पता नहीं सर कोई बीच बीच बोल रहा है। स्वास्तिक है। यस सर स्वास्तिक है। सचान कौन है सर? स्वास्तिक स्वास्तिक सचान सर स्वास्तिक सचान स्वास्तिक सचान। हाँ बोलिए बेटा। सर दो या दो से अधिक स्वरों के मेल को मेल से जो व्यंजन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। सर कोई अभी नाम से है? कौन सा सर? अभी अभी चलिए तो अच्छा वर्षा बेटा तुम बताओ क्या पढ़ लिखा तुमने?
हटा दो ना उसको, हटा दे अथर्व उसे। सर आ गए यार, आ गए सर। सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। यस सर, अब ऑन हो गया। लाइट चली गई बीच में जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई है। बहरहाल आज ज्यादा समय नहीं है, आज मैंने आपको संधि के पांच भेद बताए हैं। जरा ये पता करना है कि आज ये आवाज कौन कर रहा है, तो कल से सर मुझे लिखना है, सर मैंने लिखा नहीं है। फोटो स्क्रीनशॉट ले, फिर आ गया सर। हर्ष सर, सर लीव हो गया सर, वो अलग अलग नाम से ज्वाइन करता है सर, आप उसको। यस सर, सर हर्ष सर बड़ा होता है, कर बनेगा सर। उसको हमेशा के लिए बंद कर दीजिए जूम आईडी, लॉक कर दीजिए। यस सर, ब्लॉक कर दीजिए। सुन लिया। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। यस सर, कल से जैसे ही क्लास आरंभ होगी तो आपको जिनको भी जुड़ना है एक मिनट के अंदर जुड़ जाइएगा सभी लोग, ठीक है। उसके बाद से मैं किसी को जुड़ने नहीं दूंगा, तो इस तरह के लोग बार बार जुड़ते हैं निकलते हैं तो कर नहीं पाएंगे। एक बार भी जुड़ गया बच्चा, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो आप लोगों का नाम आएगा अगर आप लोग जुड़ना चाहें। सर जूम ही में बग है। हाँ, हम फोन कर देंगे आपको। नहीं नहीं, आप अगर आपका नाम आएगा जुड़ने के लिए, मुझे लगेगा कि आप पढ़ने वाले हो, मैं आपको जोड़ दूंगा। हाँ सर, चैट ऑन कर दीजिएगा, हम चैट कर लेंगे। नहीं नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनिए। कल से जो जल्दी जुड़ जाएगा वही जुड़ेगा, बात कोई बात नहीं जुड़ पाएंगे। यस सर, मैंने कर दिया है, अगर कोई जुड़ना चाहे तो जो भी सत्ताईस को बताने वाले अपने जुड़ पाए, अब केवल वही जुड़ेंगे जो पढ़ना चाहते हैं। और अगर मैं इनमें से किसी ने पूछ लिया, अगर मैंने उनको बाहर कर दिया तो दोबारा जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। सर इस तरह तो ये लोग हमेशा करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सारी व्यवस्था है, आप चिंता मत करिए, कल से हम ऐसी व्यवस्था कर लेंगे, ठीक है। अब जिसको चाहेंगे वही। यस सर। हाँ बस ध्यान रहे, आप तो कोई नाम नहीं कर नहीं पाए, कोई ज्यादा परेशान करना मुझे बताए। तो आज आपको, आज मैंने आपको स्वर संधि के पांच भेद बताए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो ये आप लोग कल तैयार कर लीजिएगा और परसों या जो भी क्लास लगेगी मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। और वही बात रिवीजन की, तो रिवीजन में किसी दिन आपको करवा लेंगे, ठीक है। यस सर। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, शेष कर पढ़ते हैं। यस सर। यस सर, कर दीजिए। बाय सर। बाय सर, थैंक यू फॉर टीचिंग अस। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।